My final reply to all roasters. यार यदु, एक तो टॉपिक्स का पहले से ही अकाल है, इतने सारे स्पॉन्सर्स हैं और तू मेरे पे रिप्लाई वीडियोस बनाता जा रहा है। नहीं तू कैसे सोच रहा है कि मैं कंट्रोल कर लूंगा? नहीं भाई, नहीं होता कंट्रोल जब सामने से स्पॉन्सरशिप के इतने ऑफर आ रहे हो। और एक ये देख लो भाई, जब भी ये पिंपल होते हैं तभी कंट्रोवर्सी होती है, नहीं या जब कंट्रोवर्सी होती है तभी मुझे पिंपल होते हैं, लेकिन मुझे अब पिंपल फ्री फेस चाहिए, तो इसीलिए मेरी आखिरी वीडियो होगी YPM के ऊपर। और एक्चुअल में ये वीडियो YPM के ऊपर है भी नहीं, तुम्हें आगे वीडियो में समझ आ जाएगा। जैसे मेरा कंटेंट है लाइफस्टाइल व्लॉगिंग। लाइफस्टाइल व्लॉगिंग? लाइफस्टाइल में सिर्फ फोन और गाड़ियां आती है क्या? नहीं, लाइफस्टाइल का मतलब गाड़ियों की फेक डिलीवरी लेना होता होगा। ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें ब्रेकफास्ट में आप एलोए खाओ, पहनो विंडशील्ड, नहाने के टाइम पे शावर जेल आप गाड़ी के वाइपर से रगड़े, इसको YPM व्लॉग्स क्यों बोलते हैं? मुन्नी का गैराज क्यों नहीं बोल देते? भाई मुझे पता है कि जो मेरी गाड़ी मैंने खरीद रखी है, अब किसी को मैं प्रूफ करने के लिए यहाँ बैठा नहीं हुआ। अब जिसको जो बोलना है बोलते रहो भाई, मैं बना रहा हूँ कंटेंट, आप लोगों को देखना है भाई। नहीं नहीं, खुल के बोल दे बेटे, खुल के बोल दे, देखना है तो देखो, वरना कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। हैं, YPM के ऊपर कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो उसके चैनल को देख के। अरे एक बंदा YPM को दे ही क्या रहा है, एक बंदे से एक व्यू मिलता है, एक व्यू की कोई औकात है YPM के सामने? बोल दे बेटा। बट भाई मैं किसी को प्रूफ नहीं करूंगा यहाँ पे। अरे प्रूफ होंगे तो प्रूफ करेगा ना भाई, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि साल में 10 सुपरकार्स और 5 सुपरबाइक्स कोई बिलियनियर भी अपने लोंडे को नहीं दिलवाता, तो फिर भी साउथ दिल्ली से घर बेच के वेस्ट दिल्ली में EMI पे रहने वाला है। खैर जोक्स अपार्ट, एक दो गाड़ियों के अलावा तुमने कभी कोई गाड़ी खरीदी नहीं, और जो भी गाड़ियां तुम लाए वो एक दो महीने से ज्यादा तुम्हारे पास रही नहीं, क्योंकि तेरे को भी पता है कि तेरा यही कंटेंट है YouTube में। यही सबसे बड़ी खास बात है कि कंटेंट क्रिएटर को थोड़े साल ग्राइंड करके पता चल जाता है कि एक्चुअल उसके चैनल पे चलता क्या है। क्या मतलब मेरे चैनल पे सिर्फ कंट्रोवर्सी चलती है? पॉइंट ये कभी था ही नहीं। लोग तेरे को किसी बात पे एक्सपोज करता हूँ, किसी बात पे रोस्ट करता हूँ, लेकिन मैं तेरे को सिर्फ समझाना चाह रहा था कि तू चाहे गाड़ी खरीदता नहीं है, तू उन गाड़ियों में बैठता है, उन गाड़ियों को दिखाता है, ये फेक ग्रीन स्क्रीन वाली अमीरियत दिखाता है, बट एक्चुअल में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुझे कुछ बच्चे भी फॉलो करते हैं। एटलीस्ट तू उनको सच बता, तू गाड़ियां दिखा के बोल उनको कि हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं इसकी फील ले रहा हूँ, बट एक्चुअल में मैं इनको ऑन नहीं करता। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जो मेरे नानू और नानी है ना, वो है रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स। जो मेरी मम्मा है वो टीचर है, साइकाइट्रिस्ट है, वो डॉक्टर है, तो भाई तीसरी चीज, पापा का इतना अच्छा बिजनेस है। नहीं तो मैं क्या करूं, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर अमीर फैमिली में पैदा हुआ है तो वो बेवकूफ नहीं हो सकता। तू तो रिटायर्ड IAS ऑफिसर की बात कर रहा है, मैंने रिटायर्ड PM CM के ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो विदेश में पढ़ के भी उल्लू के पट्टे ही रह गए। तू तो फिर भी दिल्ली की किसी गली में रामदास पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ है। साफ सीधी बात है भाई, मैं YouTube कर रहा हूँ, मेरा पैशन है ये, एंड भाई आप लोगों को पता नहीं क्या ही दिक्कत है, यदु ये कर रहा है, यदु वो कर रहा है। भाई यार तुम कंटेंट देखो ना यार, तुमको लाइफ से क्या मतलब है? अभी 10 सेकंड पहले तू अपनी ऑडियंस से कह रहा था कि तू लाइफस्टाइल व्लॉगर है, अभी 10 सेकंड बाद तू बोल रहा है कि तुम कंटेंट देखो, लाइफ मत देखो। भाई तेरे को समझ आता है बोलने से पहले कि तू क्या बोल रहा है? नहीं तू एडिट करते हुए भी देखता है कि तू क्या बोल रहा है? तेरी एक ही वीडियो में से तेरी इतनी आयरनी निकल जाती है। देख मैं तुझे अभी भी बता रहा हूँ, तेरा इन्फ्लुएंस बहुत खराब है। 18 इयर्स ओल्ड बॉय बाइंग दिस, 17 इयर्स ओल्ड बॉय बाइंग दैट। भाई कभी ये भी वीडियो बना ले कि 18 इयर्स ओल्ड बॉय बाइंग सम कॉमन सेंस। तेरे से कोई हेट नहीं है, दूसरे लोगों का तो नहीं पता, लेकिन अगर मुझे होती ना, मैं तेरे मम्मी पापा के बारे में भी 3-4 चीजें बोल देता और तेरी पर्सनल चीजें उठा के इंटरनेट पे ले आता, जैसे कि तूने ट्राई भी किया मेरे बारे में। बट आई नो माई एथिक्स, आई नो माई लिमिट्स। जो चीजें ऑलरेडी एक इंसान की इंटरनेट पे होती है, सोशल मीडिया पे होती है, मैं सिर्फ वही चीजें उठा के उसको क्रिटिसाइज करता हूँ, उसको रोस्ट करता हूँ। अब जैसे कि तू खुद को बोलता है कि तू इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, यदु एक चीज होती है इंटरेक्शन, टॉकिंग, वर्बल पावर, जो कि तेरी जीरो है। मतलब ये सबसे पहले बेसिक चीज होती है। अगर मैं तेरे को कहीं पे एक स्पीच देने के लिए या लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए खड़ा कर दूं ना, तो शुरू की 2 मिनट में ही ऐसी चीजें बोल जाएगा या शायद तू बोल ही नहीं पाएगा कि लोग एंगेज हो पाए तेरे से। तो ये मत बोल कि तेरे से कोई हेट करता है। नहीं भाई, तू कोई शाहरुख खान नहीं है कि तेरे फैन होंगे या तेरे कोई हेटर्स होंगे। हम सब लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग यूट्यूब से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, और ये चीजें एक्सेप्ट कर लो। अगर जिंदगी ना चलानी होती ना यूट्यूब से, किसी को व्यूज या पैसे का लालच ना होता, तो यहाँ पे यूट्यूब पे अपना टाइम ना वेस्ट कर रहा होता कोई भी, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 10-12 घंटे यूट्यूब खा जाता है। और टेंशन मत ले, इसके बाद तेरे ऊपर कोई ऐसी कोई वीडियो नहीं आएगी, अनटिल अनलेस कुछ बहुत कुछ ऐसा नहीं हो जाता मेरे से रिलेटेड, तो कोई इसके बाद कुछ वीडियो नहीं आने वाली। और मैं तेरे को ये चीजें यहाँ पे आके क्लियर करना चाहता था, क्योंकि ये यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है भाई, मुझे पता गाड़ी मेरे नाम पर है और मैंने खरीदी हुई है, बस दैट्स इट। अब ऐसी वीडियोस, ऐसे चैनल देखोगे तो तुम्हारा टाइम तो वेस्ट हो गई, तो इसीलिए बेटर जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करो ना। जस्ट इसीलिए आई वांट टू टेल यू मोर अबाउट क्रिप्टो इन्वेस्टिंग एंड कॉइन DCX। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर कोई लॉ पास नहीं किया, सो इसीलिए आप क्रिप्टो को इंडिया में बाय, होल्ड, ट्रेड, सेल कर सकते हो। और कॉइन DCX क्लैरिफाई करता है कि क्रिप्टो मार्केट इजंट अ वन टाइम मनी मेकिंग प्लान, सो इसीलिए आप क्रिप्टो में पहले अपनी रिसर्च करें। और इसीलिए कॉइन DCX आपको प्रोवाइड करता है DCX लर्न प्लेटफॉर्म, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और बहुत सारी क्रिप्टो से रिलेटेड टॉपिक्स सीख सकते हो।
सकते हैं dcxlearn.com पे। कॉइन डीसीएक्स सबसे सिक्योर एंड सबसे सिंपल क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप है एंड इट मेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड ऑनबोर्डिंग इजी फॉर बोथ न्यू एंड एक्जिस्टिंग कस्टमर्स। और अपने 7M मॉडल के साथ कॉइन डीसीएक्स हेल्प करता है इन इंप्रूविंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मेंटेन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट्स एंड रिड्यूसेस रिस्क एसोसिएटेड विद क्रिप्टो करेंसीज। सो देर किस बात की है, डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन, साइन अप, कंप्लीट योर KYC एंड लिंक योर बैंक अकाउंट एंड यू आर गुड टू गो। यहां पे तुम अपनी क्रिप्टो जर्नी मिनिमम 100 रुपए के डिपॉजिट से स्टार्ट कर सकते हो और चाहो तो सिर्फ 10 रुपए में भी क्रिप्टो बाय कर सकते हो, है ना कमाल की बात। कॉइन डीसीएक्स पे सारी ट्रांजैक्शंस एकदम ट्रांसपेरेंट होती है विदाउट एनी हिडन चार्जेस और यहां पे आपको सबसे सिंपलेस्ट बाय एंड सेल का एक्सपीरियंस मिलता है पूरे मार्केट में। कॉइन डीसीएक्स ISO सर्टिफाइड भी है जहां पे आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है और यहां पे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स हैं लाइक 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, विथड्रॉल पासवर्ड एटसेट्रा। और यहां पे तुम इंस्टेंटली 24/7 कभी भी फंड डिपॉजिट कर सकते हो और कभी भी उनको विथड्रॉ कर सकते हो। सो डाउनलोड कॉइन डीसीएक्स एंड यूज माय कोड LAKSHAY100 फॉर योर सैंपल 100 रुपीज वर्थ बिटकॉइन। इन्वेस्ट ऑन कॉइन डीसीएक्स क्योंकि फ्यूचर यही है। मतलब भाई गाड़ी खरीदी है, गाड़ी मेरे नाम पर है, इतना कुछ मैंने बता दिया फिर भी यार मतलब लोग लगे पड़े अपना ये वो कर रहा है ये वो कर रहा है। वेल ऐसी क्लिकबेट फेक कार डिलीवरी वाली वीडियोस बनाने वाला YPM अकेला बंदा नहीं है, मैं सच बताऊं ये बच्चा है, ये तो बहुत बेसिक लेवल पर वो भी अपने मम्मी पापा के देखरेख में बहुत रेस्ट्रिक्टेड ऐसे काम कर रहा है, बट ऐसे और बहुत लोग हैं। नहीं गौरव जोन बहुत पुराना हो गया अभी, नहीं द फेक फ्लेक्स कार क्वीन आई है श्रीमती रजनी चौधरी। इनका यूट्यूब करियर अभी रिसेंटली शुरू तो हुआ था मांगी हुई गाड़ियां दिखा दिखा के, बट अब फिलहाल ही अपने आप को 15 लग्जरियस गाड़ियों की मालकिन बताती है और सबसे शेडी बात यह है कि इनके पास 2-2 ऑडी Q7 है जिन्हें अपनी बताती है। नहीं नॉर्मल है इंडिया में तो बहुत नॉर्मल है 2-2 सेम गाड़ियां रखना, लेकिन जब इनसे उन्हीं गाड़ियों के फीचर्स दिखाने को बोला जाए तो कैसे होगा, जैसे अभी हम ऐसे ऑफरोडिंग टाइप ट्रैक पे हैं। अमित इसका बता दे भाई, उठानी है वही वाला पूछ रहा हां कैसे उठती है, उठेगी कैसे अरुण पवार के नाम से अपने ही भाई है और वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इस टाइम पे ऑटोमोबाइल रिव्यू में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन चैनल है। तो रजनी चौधरी जी अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए अरुण पवार से अपनी गाड़ी रिव्यू करवाने गई ऑडी Q7 की ओनर बन के, लेकिन जब अरुण पवार ने इनको गाड़ी का एक फीचर एक्टिवेट करने को बोला, अमित इसका बता दे भाई, रिव्यू कराने गाड़ी लाई लेकिन नंबर प्लेट छुपा के, चलो वो बहुत से लोग करते हैं प्राइवेसी कंसर्न रहता है लोगों को, बट एक ही इंसान 2-2 ऑडी Q7 क्यों लेगा, और जबकि रजनी चौधरी जी मतलब जिनके अकॉर्डिंग वो बहुत 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 अमीर है, मतलब इतनी अमीर है कि उनको 1,07,00,000 की ऑडी भी पसंद नहीं आती, ज्यादा वो उससे ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा जहां तक मेरे को लग रहा है आप काफी अनसेटिस्फाइड से फील होते हो मतलब इस कार के साथ। लेकिन इन्होंने 2-2 ले रखी है, फर्जी अमीरियत, 2 छोड़ो ये इनमें से एक को भी ऑन नहीं करती। और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, अगर इंसान बहुत ऊपर से देखे ना तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। और अब यूट्यूब पे ऐसे लोग भर चुके हैं जिनका चैनल अब टोटल फेक फ्लेक्सिंग पे होता है, आप लोगों को सुबह शाम एक बनावटी फर्जी पर्सनैलिटी बेचते हैं और आपके अंदर सुबह शाम एक इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स घुसा रहे हैं। उस टाइम पे कितने की ली थी आपने ये? उस टाइम पर मैंने ली थी ये 1.7 की मुझे पड़ी थी, 1.7 की मुझे पड़ी थी। ये 15 गाड़ियों के ओनर खुद को बोल रहे हैं, यार 15 गाड़ियों के ओनर को ना सुबह शाम वीडियो बनाने की फुर्सत नहीं होती, वो 15 गाड़ी खरीदने के लिए कहीं से पैसे भी जोड़ने पड़ते हैं और इतना अंग्रेजों के बाद किसी के खानदानी था नहीं गांधी परिवार के अलावा कि जो 15 गाड़ी अब घर बैठे खरीद ले और फिर बैठ के खा ले उनमें। परसों फॉर्चुनर ली थी, आज ऑडी ले ली, आने वाले एक हफ्ते में BMW XUV700। कुछ नहीं होता ये सब, ऐसा रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। और ये लोग जो तुम्हें थंबनेल में दिखा रहे हैं ना, अगर तुम इनकी वीडियो 5 मिनट खोल लो तो इनकी पर्सनैलिटी से, इनकी जुबान से, इनके बातचीत करने के ढंग से आपको पता चल जाएगा कि 1 करोड़ की गाड़ी तो छोड़ो, 1 करोड़ रुपए इन्होंने किस्तों में भी कभी एक साथ नहीं देखे होंगे। ये इतना गंदा बोलते हैं, ये लोग इतनी गंद फैला रहे हैं यूट्यूब पे। ये जो यूट्यूब है ना, ये इंडिया में लंगूर के हाथ में अंगूर वाला काम है, इंटरनेट आ गया और पता नहीं कहां कहां से लोग क्या क्या अपलोड कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आता कि यूट्यूब इन लोगों को क्यों नहीं देखता। लाइक ये क्या यूथ को ये क्या सिखा रहे हैं, यूथ के ऊपर
ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट है, कितना नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इन चीजों का। और मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम में से मेरी तो ऑडियंस में से 99% लोग इनको जानते भी नहीं होंगे और लाइक ये लोग डिजर्व भी नहीं करते मेरे चैनल पे एक सेकंड का भी स्क्रीन टाइम। और मैं बहुत होलसम वीडियो बना रहा था, ये वीडियो क्यों बनाए उसका भी एक रीजन है कि जब ये रजनी चौधरी जी की रियलिटी कुछ सेम कम्युनिटी के बंदों ने एक्सपोज करने की कोशिश की यूट्यूब पे, इनको कहा कि अगर आप 15 गाड़ी ओन करती हैं, आप बच्चों को, आप नए नए यंगस्टर्स को दिखा रही हैं कि मैं 15 गाड़ी की मालकिन हूं, आई एम द न्यू क्वीन, तो आप एक्चुअली उन 15 गाड़ियों के पेपर दिखा दे, आप रियलिटी दिखा दे। तो रजनी चौधरी जी जो काम 15 सेकंड में कर सकती थी उसके लिए इन्होंने 1.25 घंटे की वीडियो बनाई और वहां तक मैं ये सब चीज फॉलो अप कर रहा था और मेरे को किसी के लिए कुछ नहीं था, मैं दोनों तरफ से बहुत न्यूट्रल था। बट जो 1.25 घंटे की वीडियो में इन्होंने गंद बकी है उन लोगों को, अज्जू 0008 हैवी ड्राइवर एलविश यादव को, इन्होंने जो गलत सलत बातें बोली हैं, बिलीव मी पता नहीं वो वीडियो यूट्यूब पे कैसे है, उस वीडियो को मैं यहाँ पे प्ले भी नहीं कर सकता। अज्जू 0008 जहां से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी, उनके ब्रदर की लास्ट ईयर डेथ हो गई थी, तो इस वीडियो में रजनी चौधरी इतना पर्सनल गई कि उनकी भाभियों को विधवा, अज्जू को भिखारी, नाले पे रहने वाला, मतलब क्या क्या नहीं बोला, जस्ट बिकॉज वो लोग और हम यूथ को जागरूक कर रहे हैं ऐसे कॉन्टेंट के लिए। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि यूट्यूब पे जो वीडियोज है ना वो या तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है या वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, और जो व्लॉगिंग है वो तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट में आता है, तो आप उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही लें और क्रिएटर जो वीडियो बना रहे हैं ना उसको एंटरटेनिंग ही बनाए। मैं भी व्लॉग्स बनाता हूं, मैं कभी किसी चीज का फ्लेक्स करने की कोशिश नहीं करता, मैं नहीं कहता मेरे पास ये है मेरे पास वो है, ठीक है मेरे पास बहुत से लोगों से ज्यादा भी है बहुत से लोगों से कम भी है, मैं सबसे बेस्ट या मैं सबसे वर्स्ट नहीं हूं, बट ऐसे लोग जो ये चैनल खुले हुए हैं हर वक्त गाड़ियां घड़ियां मोबाइल बाइकें ये सब चीजें बता रहे हैं, अपने आप को इतना अमीर दिखाते हैं, वो आपको सिर्फ एक इल्यूजन बेच रहे हैं, आपको सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स बेच रहे हैं, आपकी जिंदगी में भी ना चाहते हुए इतना सॉफ्ट नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। तो हम लोग इस चीज से जागरूक कर रहे थे, जस्ट उसी का रिजल्ट है कि उस वीडियो में कुछ लोगों को इतना बुरा इतना पर्सनल सुनने को मिला, क्योंकि लड़की बोल रही है और लड़कों के बारे में बोल रही है। ये क्या लोग हैं जो क्लिकबेट कर करके 5-6 लाख सब्सक्राइबर जिन्होंने गेन किए, जो डर्टी टैक्टिक्स से मुश्किल से 1-2 लाख व्यूज अपनी वीडियो में लाते हैं, सुबह शाम ये गिड़गिड़ा के आपस में कोलैबोरेशन करते हैं, ये लोग तुम्हें करोड़ों की बातें बताते हैं, करोड़ों की गाड़ियां दिखाते हैं। बी प्रैक्टिकल, ग्राउंड रियलिटी पे आओ। इंडिया का टॉप क्रिएटर भुवन बाम भी अगर कोई ऑडी खरीदेगा ना तो वो भी उसको 5-6 साल चलाएगा कम से कम, तो ये लोग तो किस खेत की मूलियां हैं यार। और मैं कुछ ज्यादा यार बोलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे फिर विमेन कार्ड आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी खेल चुकी, पहले इन्होंने ही उनको बॉडी शेम किया, उनको क्लास शेम किया, उनकी घर की औरतों के बारे में गंदा गंदा बोला खुद एक औरत होते हुए, और उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट डाल रही है। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली फॉर योर लव एंड सपोर्ट, आई होप माय वीडियो ब्रिंग्स जस्टिस टू दोज लेडीज एंड होपफुली ही बेग इन फ्रंट ऑफ देम टू क्लेरिफाई हिज इमेज इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड ब्रिंग देम बैक एंड दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली वांट। नहीं रजनी दीदी नहीं, अगर आपकी तरह 4 औरतों को गाली बक के बाकी 4 औरतों को जस्टिस मिलता है ना तो हमें नहीं चाहिए ऐसा जस्टिस। हमारे देश की औरतें ना अच्छे से जानती है अपने लिए जस्टिस लेना भी, अपने लिए लड़ना भी। आप बस अपनी भाड़े की गाड़ियां लाके उन पे क्लिकबेट वीडियोस बनाएं, आप लोगों के घर वालों की पर्सनल लाइफ यूट्यूब पे लाके सेवेज बने, आप लोगों के कैरेक्टर जज करें, आप बच्चों को मैनिपुलेट करें, ये जस्टिस दिलाने वाला काम आप हम पे छोड़ दें, बाकी लोगों पे छोड़ दें। लॉट्स ऑफ लव टू यू।